सो गाइस एंशिएंट मिथ्स के पिछले पार्ट में हमने देखा कि वेंग हाओ ने खुद को साबित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उस सर्वेंट को सजा भी दी जाती है। यहाँ तक कि उसे एक वांग की नाम के एक लड़के से भी लड़ना पड़ता है, जो कि पहले वाले वेंग हाओ से तो काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन अब जब वेंग हाओ के पास में पावर्स आ चुकी है तो वांग की तो उसके सामने टिक भी नहीं पाता और वेंग हाओ उसको काफी बुरी तरीके से धो डालता है। इसके बाद वहाँ पर स्पिरिट लिफ्टिंग सेरेमनी को भी शुरू किया गया था, जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट की स्पिरिट पावर को भी चेक किया जाता है, जिसमें लेन का काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है। वेंग हाओ अपने मास्टर से कहता है कि मेरे फादर ने यहाँ पर जो 3 ट्रीजर दिए हुए थे अब वो मुझे वापस चाहिए, और फिर यहीं से अगले पार्ट की शुरुआत हो जाती है। मास्टर वेंग हाओ से कहते हैं कि अभी तुम उसके लिए काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम उनकी शक्तियों को संभाल ही नहीं पाओगे, वो तुम्हें केवल मुसीबत में ही लेकर जाएंगे। तो वेंग हाओ कहता है कि वो सारी मेरी समस्याएं हैं, उन्हें मैं किस तरीके से संभालूंगा आप वो मुझ पर छोड़ दीजिए, और वैसे भी मेरी फैमिली को मेरी ज्यादा चिंता तो रहती नहीं है। तो मास्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो, मैं वो तुम्हें अगले महीने पर दे दूंगा, जिस दिन बिग एकेडमी एनरोलमेंट डे है। अगर तुम गेन कॉलेज असाइलम की प्रैक्टिस में हिस्सा लेते हो तो मैं वो तीनों ही ट्रीजर तुम्हें वापस कर दूंगा। तो वेंग हाओ कहता है कि ठीक है, लेकिन ये एक डील है, आपको मुझे वो वापस करने ही होंगे। वेंग हाओ कहता है कि उस एकेडमी के अंदर तो जाना बहुत ही ज्यादा आसान है, तो फिर मास्टर ने मुझे ऐसा चैलेंज क्यों दिया, और मुझे उसमें वैसे भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अब वेंग हाओ और वेंग लिन दोनों ही अपने घर पर आ जाते हैं। लिन वेंग हाओ से कहती है कि वैसे डिवोर्स तो डिवोर्स ही होता है, तो फिर तुमने चट्टान से छलांग क्यों लगाई थी, क्योंकि ये कोई सही तरीका नहीं था। तो वेंग हाओ कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है मुझे तुम्हें कुछ भी बताने का, अगली बार जब हम राजा से मिलेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वेंग लिन गुस्से के साथ में कहती है कि क्या वो तुम दोबारा से करना चाहते हो। वेंग हाओ कहता है कि तुम तो बहुत ही जल्द गुस्सा हो जाती हो, और अभी तुमने मुझे ये खिला किया दिया है। तो वेंग लिन कहती है कि ये एक एलिजर है जो कि बड़ों को दी जाती है। वो कहती है कि उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम्हें एक बार टियान यांग को भी देखना चाहिए। वेंग हाओ कहता है कि ऐसा क्यों। तो वेंग लिन कहती है क्योंकि वांग कुन के पास भी सैंग पिन टैलेंट है, जो कि अभी एपोक्लिप्स नाम के कॉलेज में पढ़ता है, और उस कॉलेज के जो ओनर है वो तुम्हारे 3 टीचर्स को उसे देना चाहते हैं। और वैसे मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिल चुका है। वेंग हाओ कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि क्यों मास्टर ने मुझे वहाँ पर जाने का चैलेंज दिया, उन्होंने अपने हिसाब से काफी कठिन चीज को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वेंग लिन कहती है कि वहाँ का एटमोसफियर नॉर्मल से काफी ज्यादा अलग होगा, और तुम तो अभी अभी मैजिक को सीखे हो, मुझे पूरा भरोसा है कि ओनर तुम्हारे लिए उसे काफी ज्यादा कठिन भी करेंगे ताकि तुम उसके अंदर एंटर ना कर पाओ। तो वेंग हाओ कहता है कि अभी भी मेरे पास वैसे एक मंथ है, इतने वक्त में तो मैं खुद को काबिल बना ही सकता हूँ, अब वो हवा में तो मेरे लिए जाल बिछा नहीं देंगे। वेंग हाओ वेंग लिन से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। वेंग लिन कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वेंग हाओ काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद वो वेंग हाओ से कहती है कि वैसे अब मुझे मेरी ट्रेनिंग के लिए वापस जाना होगा, और फिर वो तुरंत ही वहाँ से भागती हुई चली जाती है। जोशान वहीं पर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। वेंग हाओ जोशान से कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्या देख रहे हो, जाओ और अपना काम करो जो कि तुम्हारा है, मेरे पीछे मेरे घर की देखभाल करना। इसके बाद अब वेंग हाओ अपने कमरे में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ पर वो केओस बीड की मदद से खुद की पावर्स को बढ़ाते जा रहा था, और ऐसा करते हुए वो हर बार खुद को अंतरिक्ष के एक छोर पर पाता है जहाँ पर उसे परेशान करने वाला कोई भी ना हो, और वो केओस बीड भी खुद की पावर को आसपास के वातावरण से बढ़ाता है। इससे रियल वर्ल्ड में बैठे वेंग हाओ की भी पावर उसी के साथ में बढ़ रही थी। इसका इफेक्ट वेंग हाओ के घर के चारों तरफ भी दिखाई देता है। वेंग हाओ कहता है कि इस बार केओस सीड ने साइकिक पावर को कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन इसकी वजह से वेंग हाओ की आई क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, साथ ही उसके सुनने की क्षमता भी बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो एक रेंगती हुई मकड़ी के कदमों की आवाज सुन सकता था, यहाँ तक कि उसे काफी दूर बैठी हुई चिड़ियों की भी आवाज आती है। वेंग हाओ कहता है कि मेरी साइकिक पावर नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा तेज हो चुकी है, उसका फिफ्थ सेंस काफी ग्रेट तरीके से एनहेंस हो गया था। वो कहता है कि अगर इसके हाउस स्पीड की पावर के बारे में वर्ल्ड में किसी को भी मालूम चलता है तो इसके लिए तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर तक हो सकता है। लेकिन तभी जोबो की आँख खुल जाती है, और वो कहता है कि आधी रात गए 3 रियल्म्स ब्रोक हुई है, और इस वजह से वो खुश भी था कि वेंग हाओ काफी ग्रो कर रहा है। इसके बाद अब हमें उन मास्टर के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सर्वेंट उनसे कहता है कि उन 3 ट्रीजर्स को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि उन्हें जागृत कैसे किया जाएगा, क्योंकि इस चीज को केवल हमारे किंग ही संभाल सकते हैं। मास्टर कहते हैं कि हमें उन 3 ट्रीजर्स को लेकर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेंग हाओ उनको पाना चाहता है। अब तुम यहाँ से जाकर राजा को बता दो कि वेंग हाओ अभी मरा नहीं है, जिससे कि सोवियत ही अपनी पहली पहल करेंगे। वो मास्टर यहाँ पर अपना एक काफी खुफिया प्लान बना रहे थे। इसके बाद अब हमें अगले दिन मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंग हाओ जोशान के साथ में शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। जोशान कहता है कि मास्टर हमारे पास में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। तो वेंग हाओ कहता है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि बिना
बिना पैसों की शॉपिंग नहीं होती। लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर शुकवान आ जाता है। वेंगाओ कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतने जल्दी मिल जाओगे। शुकवान कहता है कि तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है जो तुम इतनी ऊंची चट्टान से गिरने के बाद भी जिंदा बच गए। सोचा नहीं था कि तू इतना ज्यादा लकी होगा। वेंगाओ कहता है कि तुम्हें इसका जवाब बहुत ही जल्द मिलेगा। तुमने मेरी जानकारी के लिए खबरी लगा कर रखे हुए है। शुकवान कहता है कि मेरे लिए सब के लिए वक्त नहीं है, तुम बस मुझे मेरी सिस्टर की सोल लौटा दो। वेंगाओ कहता है कि मैंने वहाँ से गिरने के बाद एक बात तो जरूर सीख ली है कि तुम जैसे खट्टे नींबू कभी भी मीठे नहीं हो सकते, और अब तुम जैसे लोग तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली कभी भी एक वोर वुमेन को एक्सेप्ट तो कर ही नहीं पाएगी। लेकिन मेरा दिल उतना बुरा भी नहीं है, तुम चाहो तो उसे मेरी कॉन्कुबाइन बना सकते हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी जबान को काट कर कुत्तों को डाल दूंगा। तभी उसका साथी वेंगाओ को मारने के लिए जाता है, लेकिन जो सांत उसको उठाकर दूर फेंक देता है। तभी एक बंदा धोखे से वेंगाओ के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वेंगाओ के रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा फास्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो पहले ही उसको केक हिट कर देता है जो कि पहले वाले बंदे के ऊपर जाके गिरता है। और ऐसा देखकर मार्केट के लोग सभी हंस रहे थे। वो लड़का वेंगाओ से कहता है कि तुम तो दूसरों के पीछे छिपते हो। वेंगाओ कहता है कि तुम चाहो तो अपना हाथ भी आजमा सकते हो, या तुम अभी इसके काबिल नहीं हो। वो लड़का कहता है कि सबसे पहले तो मैं इस बिग गाय को खत्म कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा, लेकिन उससे पहले ही तुम मुझसे माफी मांगने के लिए जरूर आओगे। भले ही तुम गिर कर बच गए हो, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। वहीं दूर छत पर दो लोग खड़े हुए थे, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि सोवियत एम्पायर इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन इस लड़के ने तो कम एज में ही 9 रियल्म को पार कर लिया है, जो कि आगे चलकर काफी बड़ा महारथी बनेगा। तो वो अपने साथी से कहता है कि क्या हमें इन्हें अपने साथ में लेना चाहिए। तो वो बंदा कहता है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेंगाओ शु हुआंग से काफी ज्यादा काबिल है। अभी वहाँ पर शु हुआंग हमला करने के लिए जाता है, और यहाँ पर जोशान और शु हुआंग के बीच में फाइट हो जाती है। जोशान की पावर्स हुआंग के सामने कम पड़ने लगती है, क्योंकि वो पावर लेवल में उससे काफी ज्यादा आगे था। जोशान उसको संभाल नहीं पा रहा था। वेंगाओ कहता है कि मुझे जोशान की मदद करनी होगी। वो कहता है कि तुम इसके पैरों पर वार करो, और ऐसा करते ही जोशान हुआंग को दूर फेंक देता है। वेंगाओ उससे कहता है कि क्या तुम मुझ पर हमला करने वाले हो। इसके बाद अब उनके बीच में पंचिंग फाइट होती है, जहाँ पर हुआंग को एक ही पंच पड़ने पर वो काफी दूर जाके गिरता है। वेंगाओ जोशान से कहता है कि कभी कभी अपना दिमाग भी चला लिया करो, नहीं तो इस शु हुआंग की तरह हालत होगी। वेंगाओ हुआंग के पास जाकर उसको दोबारा से पीटने लगता है। शु हुआंग कहता है कि मेरी जब तक सांस चलेगी मैं तब तक तुम्हें मारना ही चाहूंगा। वेंगाओ कहता है कि चलो पहले तुम्हारा क्रियाकर्म कर दिया जाए। वो सबसे पहले यहाँ पर शु हुआंग का एक हाथ ही तोड़ देता है। तो बाकी के लोग कहते हैं कि क्या आज ये वेंगाओ पागल हो चुका है। वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से जाकर इस बारे में जल्द से जल्द शु फैमिली को खबर देनी होगी। शु हुआंग कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था। तो वेंगाओ कहता है कि हाँ, तुमने मुझे जो भी सिखाया है आज उसको चुकाने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद वो जोशान के साथ में यहाँ से जाने लगता है। वो दूर खड़ा हुआ बंदा कहता है कि अब तो मुझे खुद ही इस वेंगाओ नाम के बंदे से मिलना पड़ेगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप हमारी इस एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई वीडियो को जरूर से चेकआउट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।